से 10% ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक होते हैं। कुछ बहुत कॉमन म्यूटेशन हैं जिनको हम अपने मेडिकल टर्म्स में BRCA1 और BRCA2 म्यूटेशन कहते हैं। ये देखी गई है कि जिनमें ये हो उनमें ब्रेस्ट और ओवरी के कैंसर होने का रिस्क जो है वो बाकी आवाम से ज़्यादा हो। ब्रेस्ट कैंसर बाकी कैंसर्स में से एक ऐसा कैंसर है जिसके क्योर रेट बहुत अच्छे हैं, और अगर इसको अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज किया जाए तो इसका क्योर रेट अराउंड 98% तक देखा गया है। ब्रेस्ट कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3 और 4। स्टेज 1 में ट्यूमर का साइज छोटा होता है, तकरीबन 2 सेंटीमीटर से छोटा ट्यूमर होता है। इसके अलावा स्टेज 2 में जो ट्यूमर का साइज है वो 2 से लेके 5 सेंटीमीटर तक का होता है, और स्टेज 3 में साथ में बगल में गुठलियाँ भी आ जाती हैं। और स्टेज 4 में आजकल हमारे पास ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जिसके इस्तेमाल से स्टेज 4 की खवातीन या पेशेंट अपनी ज़िंदगी लंबे अरसे तक गुजार सकते हैं। जैसे कि एक क्रॉनिक डिजीज़, एक लंबी चलने वाली डिजीज़ है जिसमें के पेशेंट को मेडिसिन लेनी होती है, तो ब्रेस्ट 4th स्टेज के लिए भी अब बहुत अच्छी ट्रीटमेंट ब्रेस्ट कैंसर की मौजूद है। अगर किसी भी खातून को कोई गुठली महसूस हो या कोई भी चेंज अपने ब्रेस्ट में मौजूद हो तो उस खातून को ब्रेस्ट सर्जन को दिखाना चाहिए। अब ज़्यादातर हमारे माशरे में अगर किसी खातून को कुछ हो भी जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो लोगों को पता ही नहीं होता कि आखिर किस डॉक्टर के पास जाना होता है। वो पिकअप रोमिंग के यहाँ वहाँ, लेकिन उनको पता ही नहीं कि जाना किसके पास है। तो आइडियली ब्रेस्ट सर्जन एक राइट डॉक्टर है जिसके पास इनिशियली जाना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर रीना कुमारी है। मैं एज अ कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में होती हूँ। और अगर आप में से किसी को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन कैंपस में।